दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि अगले 5 साल में वो दिल्ली को टोक्यो, लंदन और पेरिस की तरह साफ सुथरा बनाएंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री 2 सप्ताह में 7 टाउन हॉल मीटिंग करने वाले हैं। पहली मीटिंग के दौरान गुरुवार को उन्होंने ये बात कही। मुख्यमंत्री ने इस सभा के दौरान दिल्ली सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया और भविष्य का रोडमैप भी बताया। दिल्ली विधानसभा चुनाव के चलते आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। इसी क्रम में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे ने आरटीआई से मिली जानकारी के आधार पर दिल्ली सरकार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर रिपोर्ट पेश की। विनय सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि 217 आरटीआई के जवाब के आधार पर रिपोर्ट तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में शिक्षा पर खर्च बढ़ाया गया है जबकि शिक्षकों की संख्या नहीं बढ़ी। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को शिक्षा विभाग में तैनात किया गया है। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हिंसक प्रदर्शन भले ही कम हो गए हों लेकिन संवेदनशील इलाकों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस सतर्क है। दिल्ली पुलिस के PRO MS रंधावा ने कहा कि पुलिस किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के DCP प्रकाश सूर्य ने भी कहा जुम्मे की नमाज से पहले इलाके में 15 कंपनी तैनात की गई है ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। खासतौर पर सीलमपुर में पुलिस फोर्स को अलर्ट किया गया है जहां पिछले दिनों प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क गई थी। दिल्ली की फायर सर्विस के अधिकारियों अनुसार अब दमकल विभाग में रोबोट शामिल होंगे जिनका इस्तेमाल ऊंची इमारतों, झुग्गी झोपड़ी और फैक्ट्रियों में लगी आग को बुझाने में किया जाएगा। दिल्ली में आग लगने की घटनाएं आए दिन होती रहती हैं, जिनकी वजह से उसमें फंसे लोग और फायर कर्मी भी घायल हो जाते हैं लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। साल 2020 में दमकल विभाग के पास 2 रोबोट होंगे। इनकी ऑर्डर की प्रक्रिया पूरी हो गई है। दिल्ली में जब जमा देने वाली ठंड पड़ी थी तब आप कहां थे? हो सकता है भविष्य में आपसे भी ऐसा ही सवाल पूछा जाए। दिसंबर में इस बार जो शीतलहर जारी है वो ऐतिहासिक है। ये दिसंबर पिछले 100 साल के दौरान दूसरा सबसे ठंडा दिसंबर बनने जा रहा है। 1901 से 2018 तक सिर्फ 4 मौकों पर दिसंबर का अधिकतम औसत तापमान 20 डिग्री से नीचे गया है। इस साल से ये 26 दिसंबर तक 19.85 डिग्री है जबकि 31 दिसंबर तक ये महज 19.15 डिग्री ही रह सकता है। शीतलहर का ये प्रकोप अभी 30 दिसंबर तक बना रहेगा। शुक्रवार को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।